अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हसन। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग का ठंड का कैंपेन चल रही थी, अभी से एफआई आए थे और अचानक से मैंने किसी एक शख्सियत को जाते हुए देखा और मैंने कॉल बैक की कि भाई आप कहाँ थे। कह रहे मैं तारक रोड में। मैंने बोला अच्छा, पीछे से गुजरे अभी तो भागते हुए आए हैं, वन एंड द ओनली फिलहाल क्यू टू साहब। जी जी बिल्कुल, थैंक यू यार, मेरा गार्ड वहाँ पीछे खराब है। अच्छा हाँ, सिक्योरिटी के लिए। तो यार मैं गुजरा था तो फ्रेंड ने बुलाया था मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा ना तो एक मतलब फील आई कि किसी अपने ने किया होगा, तो वही कॉल आई मैंने पिक कर ली, ठीक है ना। फिक्र करो आवाज आ गई। तो नेकी के काम में अल्लाह ताला ने चुन लिया होता है। आप मेरे पेज को फॉलो करें फिलहाल _ मैं इंशाल्लाह नेकी के प्रोजेक्ट भी और करने वाला हूँ। उनके पेज को तो आप फॉलो किया हो, ठीक है ना। और जैसे जल्दी इंशाल्लाह 1 मिलियन कराएं, हमारे 1 लाख कराएं, ठीक है ना। तो आई थिंक मैं इंटरटेनर हूँ, एज ए वर्सल में काम कर चुका हूँ और काम चलाती हूँ मीडिया में, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा काम कचरा है इनके लिए, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेकी के लिए। और अगर आपको ये वीडियो शो ऑफ के लिए लग रही है तो बिल्कुल आप शो ऑफ के लिए समझे, क्योंकि जब हम नाचना गाना जब हम फांसी फैला सकते हैं तो हमको चाहिए कि हम नेकी इससे ज्यादा फैलाएं। ये दिखाएं बच्चों को, ये देखें बेचारे गरीब बच्चे, और हम इनको इनका मकसद है 10 रुपीज का। 10 रुपीज की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये जैकेट हजारों लाखों रुपए की लोग मार्केट में खरीदते हैं न्यू, ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की, लेकिन थोड़ी तो इनका मकसद ये है कि हम लोगों को जो ना भीख दी दे रहे, हम लोगों को सिखा लें कि भाई 10 रुपीज की दो और अपने आप को सर्द से बचाओ। तो इनके पेज को भी फॉलो करें और हमारे पेज को भी, और नेकी को प्रमोट करें, चाहे बल्ले वो कोई सी भी नेकी हो, चाहे वो बल्ले आप 1 रुपया दिखा रहे हो तो आपका आने वाला बच्चा सीखेगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, खूब सो कि ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जाए, लोगों के वीडियो सुनवाते हैं आप, शेयर कर दो। नानी वाला अली खान, इस बेचारे बच्चे ने क्या गलती की, इस बेचारे बच्चे का नाम क्यों नहीं आता भाई। हम देखना चाहते हैं हमारे प्यारे हसन अजील का पेज आगे जाए, और सिर्फ पेज ये आगे जाने से कोई हमको लाखों रुपए नहीं मिल जाएंगे। आप लोगों तक ये कि जितने ज्यादा लाइक करोगे उतने ज्यादा शेयर होगा और बाहर मुल्क से भी फंडिंग आएगी, ताकि हम पाकिस्तानी लोगों को सपोर्ट करेंगे। हमारी जो टीम में काम कर रही है, ये भी बेचारे इतवार के दिन अपनी फैमिली के साथ घूमने का दिन होता है, तो ये नेकी के लिए इसीलिए कर रहे हैं ताकि क़यामत के दिन हमारी अच्छी नेकियां हमारे काम आए और हमारे पाकिस्तान खूब तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई, बहुत खुश हुई आपने विजिट किया और आपने जो बातें बोली हैं वो लंबी थी मगर बहुत अच्छी बातें थी और दिल को टच की। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और मैं आखिर में एक ही बात बोलूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।